नमस्कार। अक्सर आप लोगों के सामने कई तरह के मैं विषय वस्तु लेकर आता हूं। उन विषय वस्तु से मैं कई बार प्रेरित करता हूं, कई बार कुछ जानकारी देता हूं, कई बार कुछ तार्किक बात को आपके सामने रखता हूं। आज मैं एक कहानी के आधार पर या एक घटना के आधार पर कुछ बातों को मैं आपके सामने रखूंगा। इस विषय वस्तु का तार्किक पक्ष तो बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन भावात्मक पक्ष काफी मजबूत है। भावात्मक पक्ष मतलब कि तर्क से आप किसी को परास्त कर सकते हैं, लेकिन जीवन में आगे बढ़ना है तो मनोबल चाहिए, मनोगति चाहिए, और वो भाव से ही आ सकता है। जब आप किसी से संवाद नहीं करते हैं, आपको आगे बढ़ना होता है। तो आज हम बात करेंगे कि जीवन में कुछ करने के लिए कुछ ना करने का दर्द सहना पड़ता है। मैं खास करके जिस राज्य से आता हूं, बिहार से, यहां पर अवसरों की काफी कमी है, अपॉर्चुनिटी काफी सीमित है, और निजी क्षेत्र में तो और भी कम है। मैं खुद फिलहाल दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ाता हूं। इससे पहले बिहार में भी मैं कॉलेज में पढ़ा चुका हूं, यहां के सबसे अच्छे कॉलेज, और वहां मैं छात्रों से जब भी पूछा करता था कि क्या करोगे ग्रेजुएट करके, तो अक्सर उनका जवाब मिलता था कि सिविल सर्विस करेंगे या आईएएस पीसीएस की तैयारी करेंगे। और इसका मतलब भी है। और उसी तरह से मैं जब अभी दिल्ली के जिस कॉलेज में हूं, वहां मैं अब छात्रों से पूछता हूं कि क्या करोगे, तो उनका होता है मार्केटिंग में जाएंगे, पीआर एजेंसी में जाएंगे, एडवर्टाइजिंग में जाएंगे, और वो जाते भी हैं। दोनों जवाबों में जो अंतर है वह अवसरों को लेकर अंतर है। बिहार में मार्केटिंग, पीआर, विज्ञापन जैसी अवसर बहुत कम है, और यहां अवसरों की कमी के कारण ही लोग हैं कि धैर्य बनाए रखते हैं और आईएएस पीसीएस का जॉब की तैयारी करते हैं। क्योंकि बिहार की जो युवा वर्ग है, उसे लगता है कि अगर मैं आईएएस बनूंगा तो मुझे अच्छा नौकरी भी मिलेगा, सम्मानित जीवन भी मिलेगा, और पद, पैसा, प्रतिष्ठा सब हम पा लेंगे, और उसके पास विकल्प भी नहीं होता कि वह और कुछ करे। लेकिन दिल्ली के जो युवा हैं, वो जानते हैं कि उनके पास अवसरों की कोई कमी नहीं है। वो ग्रेजुएट करेंगे, उनके सामने तमाम तरह के अवसर हैं, इसलिए वो बिना समय गंवाए, बिना तैयारी किए हुए उन्हें नौकरी मिलती है और वो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वैसे युवा जो कि लंबी छलांग लगाना चाहते हैं धैर्य के साथ, उन्हें तो इंतजार करना ही पड़ता है तैयारी में, जिसमें सालों लग सकते हैं। कुछ जो बड़ों मनोबल या मनोयोगी होते हैं, बहुत ही जिद्दी किस्म के तैयारी करने वाले होते हैं, पढ़ने वाले, वो एक दो साल में निकाल लेते हैं। लेकिन कुछ जो औसत दर्जे के विद्यार्थी होते हैं, उन्हें थोड़ा समय लग जाता है, और यहीं पर उसकी कठिन परीक्षा होती है या अग्नि परीक्षा होती है, उसके अपने परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, दोस्तों के द्वारा। हर कोई फोन करता है जब भी मिलता है, क्या चल रहा है, क्या करोगे। और एक समय ऐसा भी आता है जब यह कहना पड़ता है कि कुछ तो कर लो, यानी आप पूरी तरह से एक ऐसे स्थिति में जब चले जाते हैं जब आपको लोग नकारा घोषित कर देते हैं। और मैं ऐसे कई दोस्तों को जानता हूं जो जिनके बारे में मान लिया गया था कि अब यह कुछ नहीं करेंगे, और जब उनके बारे में यह माना गया कि कुछ नहीं करेंगे, और उसी के बाद उनका जब रिजल्ट आया तो लोग अचंभित हो गए। तो नर्वसनेस या दूसरों की राय या समाज या परिवार की राय क्या हैसियत रखती है, ये हम पे निर्भर करती है। अगर हम अपने बारे में अच्छा सोच रखते हैं और हमें अपने पे विश्वास है, तो दूसरे की राय बहुत मायने बिल्कुल नहीं रखती। हाँ, अगर हमारी तैयारी ठीक से नहीं हो रही है, हम अपने लक्ष्य के प्रति लगनशील नहीं है, हमें लग रहा है कि हम अपना समय सही से नहीं लगा पा रहे, तभी हमें दूसरों की बात की फर्क पड़ती है। तो अगर कोई बड़ा करना चाहता है तो उसे समाज के तमाम जो ताने हैं, जो तमाम मनोदशा है, उसे गुजरना ही पड़ेगा। आप केस स्टडी उठाकर देख लीजिए, तमाम जो सक्सेसफुल आदमी हैं आज इसलिए सक्सेसफुल हैं कि किसी जमाने में वह नकारे थे, किसी जमाने में उनको भी असफलता का स्वाद चखना पड़ा,
लेकिन वो कहानियां तो नहीं आती है। उनके सक्सेस की कहानी तमाम लोग सुनते हैं या देखते हैं, लेकिन जब वो अनसक्सेस थे, जब वो अंधेरे में थे, जब वो कमरे में बंद होकर तैयार कर रहे थे, जब वो रोड पे निकल के संघर्ष कर रहे थे, तब कोई नहीं दिखता। और हमारा समाज भी वही है कि उगते हुए सूरज को सब सलाम करता है, रात में सूरज कहाँ जाता है किसी को नहीं पता होता, कोई तलाशता भी नहीं। साइंस के विद्यार्थी पढ़ लेते हैं किताब में, लेकिन वो देख नहीं पाते हैं और ना उसको तलाशने की कोशिश करते हैं। तो यह है कि एक बार अगर आप सफलता प्राप्त करते हैं तो आप उदाहरण जरूर बनते हैं, लेकिन जब तक प्राप्त नहीं करते हैं आपको खुद में रहना है, आपको हिम्मत नहीं हारना है, किसी भी मौके पर आपको खुद को कमतर नहीं आंकना है। चाहे दुनिया, समाज, दोस्त कितना भी प्रतिकूल टिप्पणियां करें, कितने भी नकारात्मक टिप्पणियां करें, आपको उन सब चीज को विष के रूप में लेना है। और वो विष जो कि महादेव पी गए थे और ये सृष्टि तभी बची और आज वो देवादिदेव हैं, सबसे बड़े देव हैं। उसी तरह से तमाम नकारात्मकता को आत्मसात करना है, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं देना है, कोई ऐसी बात या अनर्गल बात नहीं करना है कि बातों से मैं साबित कर दूंगा कि मैं बहुत कुछ हूं, उससे कुछ नहीं होगा। आप 2 मिनट के लिए साबित करेंगे, फिर से राय वही बन जाएगी। परिस्थिति को बदलना पड़ेगा, जो परिस्थिति लोग या समाज आपको दिखा रहे हैं उस परिस्थिति को बदलना पड़ेगा। और फिर देखिएगा वही लोग जो आपकी बुराई कर रहे हैं, जो आप में आज तमाम 100 तरह की खामियां निकाल रहे हैं, वही लोग फिर आपकी वाहवाही करेंगे, वही लोग आपका चरित्र चित्रण करेंगे, वही लोग आपकी कहानी दूसरों को सुनाएंगे। और सबसे वो फिल्म आप देखिए जिसमें हीरो शुरू से नकारात्मक छवि में रहता है और अचानक सकारात्मक होता है तो उसके बाद वो फिल्म हिट कर जाती है, वह हीरो अचानक से रातों रात स्टार बन जाता है। उसी की कहानी होती है, उसी की चर्चा होती है, उसी की परिचर्चा होती है। और जो सोने की अंगूठी या सोने की बाला लेकर पैदा होता है उसको तो सर्वमान्य जानता है कि इसके पास कोई कमी नहीं है, इसके पास बताने को कुछ नहीं। लोग उससे मदद लेना चाहते हैं, उससे संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन वो आदर्श कभी नहीं बन पाता। आज तक जितने भी बड़े बड़े पूंजीपति हुए, किसी के नाम पे दरगाह या चरागाह या मंदिर या कुछ देवस्थल नहीं बना। और जितने भी फकीर किस्म के आदमी आए, उनके नाम पे मजार बना, उनके नाम पर दरगाह बना और लोग वहां मत्था टेकते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तो जो संघर्ष नहीं करेगा, जो धूल नहीं फाकेगा, वो फिर सियासत क्या भोगेगा, वो फिर सत्ता क्या भोगेगा, या सत्ता का सुख क्या जानेगा। प्यास का महत्व तो वही समझ सकता है जो कड़े धूप में पैदल चल के आए, जो एसी कमरे में बैठ के सिर्फ पानी पीता रहेगा उसे प्यास कहां पता चलेगा। भूख तो उसी को लगेगी जो मजदूरी करके आए, और यह मजदूरी मेहनत की मजदूरी, अपने कैरियर की मजदूरी, शांत रह के, एकाग्र रह के, एकचित होकर, सनकी बनकर, अपने में रहकर, शांत रहकर तैयारी करना, लगे रहना रात दिन। अपने अंदर से भी तमाम नकारात्मकता आएगी, तमाम तरह के ऐसे ऐसे विचार आएंगे कि दुनिया का सबसे नकारा आदमी मैं ही हूं, दुनिया ने सबको सब कुछ कर सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आने दीजिए, वह भी आपके लिए ऊर्जा का ही काम करेगा, आपको आगे ही लेके जाएगा। सतत प्रयत्नशील, सतत चिंतनशील, सतत लक्ष्यवान आप बने रहिए। सफलता तो आती ही आती है, वो कहाँ जाएगी, वो तो आना ही आना है। आप देख के, आप देखिए अपने आसपास, सब तरह के उदाहरण मिलेंगे, अर्थ से फर्श पे भी जाने वाला और फर्श से अर्थ पे भी आने वाला, दोनों आपको मिलेंगे, दोनों तरह के उदाहरण आपको मिलेंगे। इसलिए कभी भी भयभीत नहीं होना है, भयंकृत नहीं होना है, धैर्य नहीं खोना है, धैर्यवान बनना है और लगातार लगे रहना है। भाई जो लोग बड़ी नौकरियां चाहते हैं या बड़ी पोस्ट पर पहुंचते हैं तो वो जल्दी भी तो नहीं मिलती, उसके लिए डिग्री भी ऊंची चाहिए, पढ़ाई भी जमकर चाहिए, ज्ञान भी ज्यादा चाहिए, तो सब कुछ तो तुरंत नहीं हो सकता ना।
और ईश्वर ने बाह्य रूप से तो सब कुछ समान बनाया, दो हाथ दो पैर, लेकिन आंतरिक सब में थोड़ा थोड़ा कुछ, थोड़ा थोड़ा ही, ऐसा नहीं है जिसको आदमी मेहनत करके बराबर कर सकता है, अंतर कर दिया। कोई भाई जल्दी याद कर लेता है, किसी को देर से याद होती है, किसी को जल्दी समझ में आती है, किसी को थोड़ी देर में समझ में आती है, कोई अच्छा लिखता है, कोई थोड़ा नहीं लिख पाता है। तो ये तो थोड़ा बहुत अंतर होता ही है ना। अब इसी को पाटना है, मान लीजिए कोई अगर जल्दी कर गया तो इसका मतलब थोड़ी है कि किसी का जल्दी सफलता प्राप्त करना मेरे सफलता ना प्राप्त करने का आधार बनेगा, या मैं नहीं सफलता प्राप्त करूंगा, ये मैसेज है उसका, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। किसी के जल्दी सफलता प्राप्त करने से मतलब है कि वो सफलता उसी को मिलेगी, उसका एक भी अंश मुझे नहीं मिलेगा। मेरे लिए तो वो चुनौती है, मेरे लिए तो वो एक लक्ष्य है कि अब मुझे भी करना है, लेकिन मेरे लिए वो बाधक है ऐसा बिल्कुल नहीं, मेरे लिए प्रेरणा हो सकता है। तो या तो मेहनत का समय मैं बढ़ा सकता हूं, या मेहनत में लगन बढ़ा सकता हूं, या लगातार मेहनत करूं। मुझे अपनी कमी को पहले जानना होगा, सबसे पहले जब तक हम अपनी कमियों को नहीं जानेंगे तब तक हम जल्दी में लक्ष्य नहीं प्राप्त होगा हमें। कमी मतलब कि मान लीजिए किसी की मेमोरी कम, तो 4 बार पढ़ेगा, 5 बार पढ़ेगा, कमी जान ले, उसको एक्सेप्ट करें और उस पर चल पड़े। किसी को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने की आदत है और जल्दी भूलने की भी आदत है, तो जल्दी जल्दी पढ़ने का फायदा उठाए, फिर से रिवाइज करें। और किसी को मान लीजिए बहुत जल्दी समझ में आ जाता है तो वो अच्छा लिख सकता है, अच्छा बोल सकता है, उस तरह का कैरियर अपना है। आपको अपनी कमी और अपनी मजबूती दोनों का पता होना चाहिए, और दोनों के आधार पर ही एक अच्छा आप रणनीति बनाकर अच्छे कैरियर को प्राप्त कर सकते हैं। और अच्छे कैरियर करने के लिए लगातार आपको लगे रहना पड़ता है। और आपको क्या लगता है, कोई भी पेशा हो, बिजनेस हो, अपना व्यापार हो, वाणिज्य हो, नौकरी हो, सबके लिए साधना करनी पड़ती है, समय मारना पड़ता है, मन मस्तिष्क को लगाना पड़ता है, रातों रात सफलता कहीं नहीं मिलती। बिजनेस में भी आप बैठेंगे तो शुरुआत में ही सफलता आपको नहीं मिलेगी, आपको साल दो साल लगता ही है। नौकरी में भी साल दो साल आपको देना ही पड़ता है। उसी तरह से अपना कुछ स्टार्टअप किए हैं उसमें भी साल दो साल देना ही पड़ता है। साल दो साल का मतलब आगे पीछे हो सकता है, कोई साल भर में भी कर जाए, कोई 3 साल भी लगे, किसी को 4 साल भी लग सकता है। समय की कभी भी गणना अपनी असफलता से जोड़कर ना करें। 60 साल के बाद सब रिटायर हो जाता है सरकारी नौकरी में, उसके बाद लोग के पास समय इतना होता है कि फिर पता नहीं होता है समय कैसे काटे। तो थोड़ा देर से जाएंगे लेकिन तंदुरुस्त जाएंगे, स्वस्थ जाएंगे, परिपूर्ण जाएंगे, पूरे जोश से जाएंगे, वो होना चाहिए ना। मान लीजिए 2 साल ज्यादा लग गया मुझे, लेकिन अपने मन का काम कर लेंगे। कहते हैं ना कि देर से आया हूं सनम लेकिन भरपूर आया हूं, पूरा आया हूं, वह होना चाहिए। यह नहीं कि जल्दी में कुछ भी मिल गया कर लिए। अरे कुछ भी तो लोग सब कुछ कर रहे हैं, कुछ खास ही लोग तो कुछ खास करते हैं। अगर सब लोग कुछ करने लगे तो फिर कुछ ही में पूरा संसार रह जाए, फिर खास कौन होंगे। खास वही करता है जो जमाने की ताने सुनता है, कुछ नहीं करने का दंश झेलता है, तभी वो कुछ बड़ा कर पाता है। इसलिए बड़ा सोचिए, बड़ा करने की कोशिश करिए, तभी बड़े परिणाम से आपका सामना होगा। वरना जीने खाने के लिए तो तमाम बैठे हुए महादेव, वो किसी को कमी थोड़ी ना दिए हैं, कभी भी पेट किसी का खाली नहीं रहने देते। हाथ भले ही खाली हो जाए, पेट भरा ही होता है सबका। तो छोटी छोटी चीज के लिए क्यों कोशिश करते हैं। बड़ा सोचिए, बड़ा करिए और धैर्य रखिए, मेहनत से कभी मत विचलित होइए, मेहनत का कभी साथ मत छोड़िए, पुरुषार्थ जगाइए, योग जगाइए अंदर, मनोयोग, मनोबल, और देखिए एक दिन सफलता आपको निश्चित मिलेगी। और कोई अगर कुछ बोलता है, लेट देम स्पीक, होने दीजिए, ये होता ही है। जब समय आएगा तो आप बोलेंगे, दुनिया सुनेगी। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले किसी ऐसा ही विषय वस्तु के साथ, पूरे दमखम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।